अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो क्या यहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर ही आना चाहिए। देखो ये वॉशरूम है, ये बाथ टब है और यहाँ से आप व्यू दे सकते हो रूम का। अब मैं थक चुकी हूँ, अब तुम चलाओ। मुझे पानी में पता नहीं क्यों ऐसे देख के चक्कर आ रहे हो। व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप। ये भाई रात हो चुकी है और हम यहाँ शिप के फ्रंट पे हैं, पीछे खाना चल रहा है वहाँ पर। तो ये हमारा लास्ट दिन है वियतनाम में और अपना पेट छुपाते छुपाते यहाँ पर भूखी हो गई है। मौसम इतना बढ़िया था अभी थोड़ी देर पहले, पर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ये वाला मौसम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा ना हो कि बीच पर पैर ही ना रख पाए। बेसन के पकोड़े, एक थी ना भी थोड़े दिन पहले, सर पतला मोटा हो गया थोड़ा। चश्मे वालों को क्या पता कि कभी मुंह मोटा कभी पतला हो जाता है। जब लिया था तब मैं 65 केजी की थी, अब 63 है, तो लगता है 2 किलो यहीं से कम हुआ है। आज हम आ चुके हैं, हम आए हैं आज सोने के होटल। हाँ भाई, ये पूरा होटल मतलब टोटली ऐसे लग रहा सोने का बना हुआ है, कुछ छेड़ने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पर कि कुछ छेड़ी दे। इतना वो है ना, वो आके दिखाएंगे हम क्या सीन है यहाँ पर। हम क्रूज के लिए आए हैं स्पेशल, आज फ्लाइट पकड़ के, हमारी टैक्सी भी आ चुकी है और अभी हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भू को डिनर करा रहे। चलो भू तुम्हें खाना खिलाता हूँ बढ़िया। अरे यार मैं ऐसे आ गया। यस सर। हम निकले थे पता है किस चीज के लिए, कि पूल में चलेंगे, पर वहाँ का है ना होटल थोड़ा ज्यादा बिजनेस टाइप है। पूल में मैं सोना के कपड़े लेके घूम रही हूँ। बूस्ट टीम सोना लेने के लिए निकली है, पर फिर मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट देखा यहाँ, मैंने सोचा चलते वहाँ पर। अबे कहाँ गया, अभी तो पढ़ा था मैंने एसेंस। अब ये पार कैसे करें, ये रुकते हैं क्या हाथ देने से? यार ये तो खाली लग रहा है, वो कहाँ आ गया। वियतनाम में आके मेरा 3 किलो वेट कम हो गया, पर वो फैट भी हुआ है कम अच्छा खासा, क्योंकि क्लीन डाइट है। मेरा मसल लॉस ना हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ मसल, क्योंकि खाना नहीं हो पा रहा मेरा अच्छे से। भाई वो क्रूज में जाएंगे 2 दिन के लिए, बहुत सेक्सी। Thank you. It's a complimentary for us. Yes. Thank you. वो अगर ये फ्री का तो यही मंगा लो सारा। बोले 4 प्लेट फूड देखो अब पूरा सजा के भेजा है। ये क्या चिकन राइस? अरे बोलो थोड़ा पेट भरने का तो लिया हो, बिल्कुल ही कटौती करोगे क्या खाने में? डिजाइन पे फोकस थोड़ा वैसे कम कर लो, पर पेट तो भर दो।
तो भाई जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं ना, एक तो वहां पर इतना ज्यादा गोल्डन गोल्डन यूज करा रखा है चीजें, मतलब हद से ज्यादा हर चीज गोल्डन बना रखी है, इवन ये डोर हैंडल हर चीज, ये देखो भाइयों। और अब आपको एक नई चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये रिमोट है किस चीज का, धोने के लिए। ये ऊपर बटन है, आपने दबाया, ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिक, धोना धोना, हवा मारनी सुखाने के लिए, किस एंगल पे चाहिए आपको, किस एंगल पे पानी चाहिए, प्लस माइनस पता नहीं क्या क्या है भाई। और ये क्या भाई, टेक्नोलॉजी चाहिए भाई इतनी भी नहीं चाहिए कि अब रिमोट से धोना पड़े जेट स्प्रे बहुत है भाई, इतना बहुत है। और इसका मेरे को कभी काम समझ में नहीं आया, ये देखो भाई नहाने का भी गोल्डन गोल्डन हर चीज, मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गोल्डन गोल्डन बना रखी है। ये वॉशरूम है यहाँ का। तो दो दिन यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है क्रूज में जिम होगा, और जिम जा रहे हैं अभी, कॉफी पी रहे हैं ब्लैक कॉफी, कप देखो भाई हर चीज गोल्डन बना रखी है इसमें, मतलब यहाँ के लोग गोल्ड से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं। हाँ, इवन जो कार के अलॉय व्हील्स है ना, कार का कलर वो भी गोल्ड, जैसे मुंबई में नहीं घूमते वो गोल्डन गोल्डन करा के, महाराष्ट्र में पुणे, हाँ मतलब वैसे ही टाइप का थोड़ा है, और है भी पुणे टाइप ही है थोड़ा ये। तो जा रहे हैं भाई जिम वर्कआउट करने, क्योंकि आज अच्छे से करूंगा वर्कआउट। आप किसी भी चीज को देखो भाई, बहुत ज्यादा गोल्ड गोल्ड है, इवन इसको, प्लेट को, कप्स को, बू को ये देखो हर चीज गोल्ड है। वॉशरूम जाऊंगा तब दिखाऊंगा भाई, हैंडल वैंडल हर चीज गोल्ड से बनाई हुई है। ये देखो कॉफी बनाने वाला, वर्कआउट चल रहा है बढ़िया, थोड़ी भूख लगी हुई है बट कोई बात नहीं, बढ़िया वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद खाना बढ़िया खाएंगे, भूखा तो पेट भरा हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो सोनिया वर्कआउट करते हुए बोल रही है कि मेरे को तो वर्कआउट अच्छे से नहीं हो रहा। बैक कर लिया भाई, दो एक्सरसाइज करी अच्छे से, अब थोड़ा रियर डेल्ट ट्रेन करूँगा और आज का वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा भाई। मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से इंडिया जाने का और अपनी प्रेप अच्छे से स्टार्ट करने का, क्योंकि ये टाइम है मेरी कटिंग का, दिसंबर में कंपटीशन है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4 महीने अप्रोक्सीमेटली हमारे पास प्रेप करने के, बढ़िया प्रेप करेंगे भाई। ओके बार डाइट खराब नहीं करी यहाँ पर, फैट थोड़ा और कम हो गया बॉडी से, मीठा वीठा कुछ नहीं खाया। तो भाई वर्कआउट हुआ कंप्लीट, वर्कआउट के बाद एक स्कूप माई प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट, ये है रसबेरियन क्रैनबेरी फ्लेवर, और भी बहुत सारे फ्लेवर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके आप चेक कर सकते हो, और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे रोहित07 तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो जाओ भाई ले लेना, अगर जिसको बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, माई प्रोटीन पता ही होगा आपको माई प्रोटीन के बारे में, इंटरनेशनल। जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं और खासकर जो लोग फैट लॉस पे हैं उनके लिए ये बेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको कम कैलोरीज मिलती है और हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन आपको माय प्रोटीन प्रोवाइड करता है। क्या फ्लेवर है भाई, क्या फ्लेवर है यार। मेरे पास माई प्रोटीन के और भी अलग अलग प्रोटीन है, जैसे इम्पैक्ट वे आता है इनका, बट जो ये क्लियर वे है ये फील होगा आपको जूस पी रहे हो जैसे आप। तो भाई वो हम निकल चुके हैं हालोंगे के टूर पर, और जो हम व्यू देख पा रहे हैं यहाँ से, मतलब वो अनरियल है एक्चुअल में, मतलब
पहाड़ों की एकदम लाइन ऐसे बनी हुई है कर्व में। यार भाई ये क्या है भाई, फक भाई वो मैं बता नहीं सकता, मतलब दिख नहीं रहा आपको वीडियो में जिस लेवल का व्यू है ना, आपको लग रहा होगा पहाड़ी तो है भाई, पर भाई क्या है साइड में ये वाले पहाड़ तो शिमला विमला में भी होते हैं। हाँ ये बड़े वाले पहाड़ है। भाइयों दिस इज़ वेरी यूनिक, मतलब कहाँ गई ये रही। हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुके थे शिप जाने से पहले, और ये एक पर्ल का शोरूम है, मतलब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये समुंदर से निकाल के बनाई गई है पूरी। Yeah, we have a transfer to the airport. Already you can add a driver coming at 12. Yeah. ये गाना सुन के और ये जगह देखकर पता क्या लग रहा है, मैं वहां पर आ गया स्पेन में। बेलेंडो भाई रेडी हो चुके हैं अपनी कॉस्ट्यूम पहन के समुंदर में कूदने के लिए। पुलिस चौकी आ गई भाई, पानी की पुलिस चौकी को चेक करने के लिए कि सब सही तो बैठे रहे यहाँ पर। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे पास। सबको अपना पास दिखाना है। Can you provide one for me? Yes, yeah, because I spilled. बुनियाद ही वेलकम कर दिया ड्रिंक का। देखो सफाई करानी पड़ी है बाहर का भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लंच। For the lunch, I will serve you the Vietnamese menu. I will serve the owner of the food here on the table. Okay. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you. कई चीजें मिला रखी है चिकन के साथ, पर चलेगा हेल्दी लग रहा है। भाई टोनी भाई अपना खिलाता जा रहा खाना, बढ़िया बढ़िया। यस एंड कैन यू डू इट विद चिली सॉस। थैंक यू। फाइनली भाई अपनी स्पेशल चीज आ गई, वो है चावल। सबसे स्पेशल डिश हमारी सोनिया को पहले 2 दिन है यहाँ पर बहुत फ्राइड खाना मिल गया, तो एयरपोर्ट पे बोल रही मेरे को वाइट चावल दे दो, मैं सूखे चावल खा लूँगी, मेरे को फ्राइड नहीं चाहिए सूखे। ये तो चंदी दिस इज फिश फिश सेवा फिश। ओके थैंक यू।
बताओ भाइयों कैसा लग रहा है? भाई ये कमरा है, वाह। And where is our luggage? भाइयों मैं तो सोच रहा था कि दुबई में जो हमने डिनर किया वही सबसे अच्छा व्यू है। एक बार कराबी में भी ऐसा ही व्यू था, बट वो हम होटल में रुके हुए थे, बीच व्यू था, पर ये भाई अनबिलीवेबल है। ये देखो भाई रूम हमारा, क्या बात है भाई, वो चारों तरफ समुंदर, बेड एकदम बढ़िया। बू जब अभी दुबई में गए थे तब लग रहा था सबसे अच्छे व्यू पे आया, पर ये तो अलग ही है। ये भाई हमारा वॉशरूम है, ये देखो ये वॉशरूम है, ये बाथटब है, और यहाँ से आप व्यू दे सकते हो रूम का। और अभी मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा, जो हमारी पर्सनल बालकनी है यहाँ पर, वो तो भाई क्या ही बोलूं मैं। ओके ओके, ओ भाइयो तो ये है भाई वियतनाम के हमारे लास्ट यहाँ पर 2 दिन, फिर अपना घर चलेंगे। और मेरे को शिप की एक अच्छी बात लगी, ये हिल नहीं रही हल्की सी भी, मतलब हल्की सी भी नहीं हिल रही, जैसे हम ग्राउंड पे होते हैं ना वैसे ही है। तो हमें बड़ी बालकनी दे रखी है हनीमून टूर समझ के। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो क्या यहाँ पर आना चाहिए? पर भी आना चाहिए और दनांग जाना चाहिए, बाकी कहीं नहीं। 2 जगह है, मतलब हम टोटल 1, 2, 3, 4 फ्लाइट की है ना। हाँ 3 फ्लाइट है, चूंकि चौथी सिटी हमारी ये है एक तरीके से। भाई हम हाथ हो गए हैं और मैंने ये पहन लिया है, मैं भूख को इस पे लेके जाऊंगा। क्या वो रेडी हो? इसको तो ले रहे हैं हम, सही है ना, ये ना ये बोल रहे हैं कि ये 160 किलो तक झेल सकती है। भाई कुछ भी हो, देखना थोड़ा उठा कैमरा, अरे उठा दे को बोला था यहाँ से बोला। क्या बात है भाइयों, अरे भू इसमें तो फोटो एक नंबर की आएगी खिंचाने के लिए। आ चुका है तुम्हारा भाई, बोलो भू। अब मैं थक गई, अब मैं थक गई, अब मैं थक चुकी हूँ, अब तुम चलाओ। मैं मुझे पानी में पता नहीं क्यों ऐसे देख के चक्कर आ रहा है और डर भी लग रहा है बहुत, क्योंकि वेव आ रही है यहाँ पे। अरे अब दूसरी जगह व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आसमान और समुंदर दोनों सेम लग रहा है। अच्छा चलो 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 चलो, हाँ चलो, बस वेव आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये हमने वेव क्रिएट कर दी है, हमने वेव ला दी। अरे इतनी तेज चला, मजा आ रहा है, थोड़ा पावर दिखाने का मौका मिल रहा कि मैं स्पीड से चला सकूं। Hello.
क्या खा रहे हो भैया? मारी गोल्ड बिस्किट। मारी गोल्ड, यहाँ पे नाम है कोजी। वो बिस्किट खा रहे हो? व्यू कितना सेक्सी है ना बु, तुम्हारे जितना, तुमसे कम बु। अच्छा कम। तो भाइयों अब यहाँ है, हम यहाँ हम स्टे कर रहे हैं, मतलब रात को यहाँ पर बोट रुकेगी और व्यू आप देख सकते हो, आपने पहले भी देख लिया होगा। क्या बोलूँ भाइयों, वो पेल रही है खाना और मैं खाऊंगा डायरेक्ट डिनर। उसने, टोनी ने बोला है कि हमारे लिए एक स्पेशल, वो उसने एक टेबल बोल दिया है वहाँ करेगा। मगर टोनी थैंक यू भाई, अगर हमारे लिए कोई स्पेशल टेबल हो रही है तो। यहाँ पे नहीं है ना खाना? नहीं, नीचे। कैसा लगा बाबू? बहुत ज्यादा अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप। ये भाई रात हो चुकी है और हम यहाँ शिप के फ्रंट पे है, पीछे खाना चल रहा है वहाँ पर। कैप्टन बैठा था, चला गया कहीं, तो भी पता नहीं पार्क। कैप्टन बोला भाई नींद चाहिए। कैप्टन पार्क करके गायब है। ये पार्क होगी अपनी शिप, मतलब जितने भी शिप देखोगे आप पीछे ही है, हमारी सबसे आगे है। क्या बात है भाइयों, आज एकदम तारे देखते हुए सोऊंगी, बाहरी बालकनी में सो जाऊंगी आज। हमारी बालकनी है अच्छी, अच्छी है। हाँ। वो जो गोल सा बिछा रखा ना। हाँ। वो भी अच्छा है। यहाँ पर बैक पोज आ रहा है तुम्हारा। हाँ। सच में बैक दिख रही है बहुत। मैं वो शीशे में देखते हुए आ रही थी। वो पता चल रहा है तुम जिम करते हो। ये क्या है, हमारे टेबलों को ही बैठ गया। हाँ। तो भाइयों ये है हमारा लास्ट यहाँ पर, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और पीछे का व्यू देखो भाइयों। पीछे का ये? हाँ हाँ, वही 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 वही, ये देखो पीछे वाला व्यू कितना ज्यादा सेक्सी है। अभी हम जहाँ पर गए थे ना भाई, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उससे हमने कर लिया था ना वो। हाँ। उससे अच्छा वो था जो हमने, और जो जो चीज थी ना जिसके लिए गए थे वो बंद कर रखा था गवर्नमेंट ने, मतलब अभी जहाँ पर गए थे ना भाई वो बिल्कुल बोरिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना बंद कर दिया था वो रास्ता जो पहाड़ों के अंदर से जाता था। मुझे लगता है इन्हें तो पता ही होगा, इन्हें पहले बता देना चाहिए था। पर वो सीन ही है ना कि इन्होंने अपनी एक बुक छपवाई हुई है मेन्यू, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ यहाँ पर जाना होता है, तो ये तो लेके गए थे, अंदर नहीं लेके गए वो अलग बात है, उस एरिया में लेके गए थे, तो भाई वो कुछ खास नहीं था। और भाई बॉडी देख लो, जब मैं दुबई गया था ना तो मेरा फैट बहुत ज्यादा हो गया था भाइयों, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने चिकन राइस पेला दबा के, मतलब यहाँ के खाने से मेरा अच्छा खासा पहले से फैट कम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं भाई अपना नहाने, नहाने के बाद भाई अपना यहाँ से करेंगे चेकआउट। देखना भाइयों, मतलब अगर आपने दुबई वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें और अब में फैट में अच्छा खासा फर्क है, और अभी तो मैंने कटिंग स्टार्ट भी नहीं करी। ओके भाइयो, अब टाइम हो गया, दिख नहीं रहा, धुंधला हो गया। चलो भाइयो ये टाइम है यहाँ से चेकआउट करने का, तुम्हारा भाई रेडी हो गया है। मैंने सोचा है कि यार बढ़िया सी फोटो खिंचवा लेता हूँ, अपना वो लाया था सूट सिलवा के, तो बता देना कमेंट में तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। बाकी भाइयो थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, दिल से बहुत सारा प्यार आपको। मिलते हैं भाइयो अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, एक सेकंड लगेगी, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन है साइड में तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नॉट पीस गेन्स।